नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद जिला में कष्ट निवारण समिति की बैठक में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने 20 मामलों की सुनवाई की। 12 मामलों का वही निपटान किया, जिसमें 8 मामलों को पेंडिंग छोड़ दिया गया। अगली जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में किया जाएगा बाकी बचे हुए मामलों का समाधान। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। वहीं इस बैठक में रतिया के SDM किरण सिंह मीटिंग में कम और मोबाइल चैटिंग में ज़्यादा नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि BPL सर्वे को लेकर के उनके पास काफ़ी लोगों की शिकायतें आ रही हैं। वहीं सरकार की ओर से लिस्ट जारी होने के बाद बाकी बची हुई शिकायतों का निपटान भी किया जाएगा। कृष्ण बेदी ने फतेहाबाद में नशा मुक्ति केंद्र के विस्तार को लेकर के जिला प्रशासन की चर्चा की। वहीं एक सवाल के जवाब में कृष्ण बेदी ने कहा कि अभय सिंह चौटाला अपना आंदोलन कहां से शुरू करेंगे, गुड़गावा से या सिरसा से। बोले अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। कृष्ण बेदी ने कहा कि SYL के पानी को लेकर सरकार गंभीर है और इसमें आंदोलन की बजाय सभी को सहयोग करने की जरूरत है। जी आज कितने मामले थे सर? आज फतेहाबाद जिला की ग्रंसेस की बैठक लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आज के ग्रंसेस के 20 एजेंडा आइटम थी और 20 में से हमने 12 का तुरंत समाधान किया और 8 अभी पेंडिंग है। उनको कुछ अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की गई है, उस पर वो निर्णय लेके आएंगे या अधिकारियों ने टाइम मांगा थोड़ी उसकी जवाबदेही के लिए। तो आज ये बैठक हम संपन्न कर रहे हैं और अगले महीने बाकी पेंडिंग मैटर हम कोई निकाले। कोई अधिकारी पर भी कोई कार्रवाई की गई है लापरवाही बरतना जैसी? चौटाला द्वारा SYL को लेकर बता रहे कि आंदोलन की तैयारी कर ली गई है, प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? कौन से इलाके में जाएंगे? गुड़गांव में तो कुछ रहे नहीं, और कौन से इलाके में जाएगा कुछ नहीं, खुद सरसे में नहीं कुछ रहा, उससे पूछ लेना आंदोलन करेगा जी। आएंगे तो पूछेंगे सर हम, तो पूछ लेना कर लेगा मेरी बात कुछ नहीं है। आज केंद्र ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के हित के लिए बहुत बड़ा फैसला दिया और मैं सभी विपक्षी दल के नेताओं से भी और सभी मीडिया के लोगों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। SYL के मुद्दे पर माने मनोहर लाल जी की टीम, मनोहर लाल जी स्वयं बहुत गंभीर है, केंद्र भी गंभीर है और ये SYL हमारी जरूरत है, हमारे लाइफ लाइन है, इसमें आंदोलन करने की बजाय इसमें सहयोग करने के लिए। पिछले सर BPL सर्वे को लेकर जैसे अभी बात सामने आई थी कुछ लोग रह गए, उसको लेकर क्या रहेगा सर? माने मुख्यमंत्री से हम पिछले दिनों मिले सभी लोग, कई जगह पे शिकायतें आई है, कुछ लोगों के ऑनलाइन नहीं कर सके, कुछ इन टाइम नहीं कर सके, पर मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है, एक बारी जो लिस्टेड हो चुके हैं उसको आउट होने दीजिए, शायद हो सकता है कि इसमें जो बकाया बच जाएंगे, हो सकता है कि हमें कई बार बयान रहता है कि मेरा नहीं आया, यदि कोई बच जाएगा तो उसके बारे में दोबारा सोच लेंगे, बेडों की समस्या का समाधान मैं करूँ। मैंने आज डी साहब को कहा कि यदि कोई आपको लगता है कि कोई प्राइवेट NGO काफ़ी हैं अपने क्षेत्र के अंदर या कोई संस्थाएं कोई नशा मुक्ति के अंदर सहयोग करना चाहती है या रिहैबिलिटेशन के लिए हमारी कोई मदद कर सकती है तो उनको अच्छी तरह चेकआउट करके वो ठीक ठाक यदि काम कर रही हैं और ठीक NGO हैं तो उनको इंस्पायर किया जाए, उनका सहयोग और ज़्यादा लिया जाए। बात हो सकती है कि मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन गली से जा रही, किसी ने छेड़खानी नहीं कर दी, उस बात पर तो झगड़ा हो जाता है, मैं तेरा क्यों छेड़ी है? गलत करो ठीक करो। विजय जी, झगड़ा इस बात के ऊपर तो हो जाता है कि भाई लड़की को छेड़ा, वो कमेंट पास किया या कुछ किया, ये तो नहीं, अभी झगड़ा हो गया पहले किसी और बात पर, गली पर या किसी प्लाट